गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन, आई वेलकम यू ऑल इन वर्चुअल क्लास 21 ऑफ क्लास 12 एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर बायो मॉलिक्यूल एंड द टॉपिक ऑफ टुडे वर्चुअल क्लास इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टॉपिक प्रोटीन एंटिल हियर वी नो दैट हाउ प्रोटीन फॉर्म्स. हमने कल पढ़ लिया था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, मीन्स अमीनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज. दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू डाइपेप्टाइड बनाते हैं लिंक होकर. तीन अमीनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, चार टेट्रा, पांच पेंटा, सिक्स हेक्सा. और जहां 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स अटैच्ड हो जाते हैं उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड्स में जब अमीनो एसिड्स के नंबर 100 से ऊपर हो जाते हैं तब हम उन्हें प्रोटीन कहते हैं. तो इसी को लेते हुए आज हमें आगे पढ़ना है कि अब पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन. ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स अटैच्ड हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उनको हम प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, एंड एक्सेप्शनल है इसमें एक, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शनल. केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑलरेडी कि दैट इज एक्सेप्शनल. तो इंसुलिन हैज़ ओनली 51 अमीनो एसिड एंड स्टिल इट इज़ प्रोटीन. इसके अंदर से 51 अमीनो एसिड्स होते हैं तब भी ये प्रोटीन के अंदर माना जाता है. एंड नाउ दे डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर शेप. मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग इनने प्रोटीन को दो टाइप से डिवाइड कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया, फेब्रस एंड ग्लोब्यूलर. फेब्रस लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं. ग्लोब्यूलर फोल्डेड होते हैं, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन इसकी एग्जाम्पल हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं. अब आते हैं फाइब्रस में. फाइब्रस लॉन्ग एंड थिन. लॉन्ग मतलब लंबे, थिन मतलब बिल्कुल पतले होते हैं. वाटर इनसॉल्यूबल मतलब दे विल नेवर डिसॉल्व इन वाटर. अब तुम्हारे इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, देखे एग्जाम्पल दिया है स्किन, बोन एंड हेयर. अगर ये तीनों वाटर में सॉल्यूबल होंगे सो हाउ कैन वी गेट आर स्ट्रक्चर. अगर बाल पानी में जाते ही घुल जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब है ना. तो दीज ऑल आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर सॉल्यूबल इन वाटर. नाउ वी आर कमिंग टू द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन की प्रॉपर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए उससे पहले क्या हुआ, एक बात समझने की कोशिश करेंगे हम, वो ये कि ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल वो ये है. दिस वन इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये गुत्थम गुत्थी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या है क्या नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. इसको हम नहीं बता सकते, ना हमें समझ में आ रहा है. तो क्या हुआ, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई, छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. जब इसमें जैसे ब्लू कलर का जो पार्ट है उसे अलग कर दिया, येलो कलर का पार्ट जो है उसे अलग कर दिया. जब दोनों को अलग किया तब एक ये इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर सामने आई. अब इस स्ट्रक्चर में भी दो टाइप की स्ट्रक्चर थी, एक ये स्ट्रक्चर है एक ये स्ट्रक्चर है. फिर इन दोनों को भी उठा के अलग कर दिया तब ये स्ट्रक्चर सामने आई. अब जब इस स्ट्रक्चर को भी और अलग से मॉडिफाई किया गया तब एक सिंपल स्ट्रक्चर आई. आई मीन टू से दैट कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है वो चार स्टेजेस से मिलकर बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी. एंड वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एडिशन या अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इस तरीके से एडिशन करते हैं. इस तरीके से जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर्स में ये चेंज आते हैं. जब अमीनो एसिड सिंपली अटैच्ड हों तब वो प्राइमरी, जब वो अपने आप में कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें या फिर बॉन्डिंग करने लग जाते हैं तब सेकेंडरी, अब जब ये सेकेंडरी आपस में मिलने लगते हैं तो टर्सरी, और टर्सरी आपस में मिलने लगते हैं तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. लेकिन बेस रहेगा प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी से टर्सरी बनती है, टर्सरी से क्वार्टनरी बनती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिखा है
कि इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी क्या होता है ये, जिसमें ये पता चल जाता है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये अमीनो एसिड्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स कैसे अटैच्ड हैं, सिंपल हमें पता चल जाता है। ये एक तरीके का फाइबर हो गया, ये दूसरा फाइबर हो गया। अब इसके अंदर जो प्रोटीन होंगे ना, वो आपस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड के थ्रू अटैच्ड होंगे, ये ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें हमें ये भी पता चल जाता है कौन कौन से अमीनो एसिड्स अटैच्ड हैं। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड मे कंटेन मोर देन, इसमें एक से ज़्यादा चेन भी हो सकती है। अब इसी प्राइमरी से मैंने बोला कि फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी का, कैसे? जब ये जो स्ट्रैंड है, ये एक जो स्ट्रैंड है, इसके अंदर ये जो अमीनो एसिड्स है ना, इन अमीनो एसिड्स में मैंने बोला था सी डबल ओ एच, अमीनो एसिड में सी डबल ओ एच और एन एच टू होता है। इन दोनों के बीच में से जो सी डबल बॉन्ड वो ओ और एन एच टू का एच आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। कब? जब एक स्ट्रैंड में अमीनो एसिड्स की डेंसिटी बढ़ती है, अमीनो एसिड्स के नंबर बढ़ते हैं, तो नंबर बढ़ने से इसकी जगह क्या होने लगती है, कम कम जगह होने लगती है, तो ये आपस में बॉन्डिंग दिखाने लगते हैं, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना दिखने लगता है, जिससे ये शेयर